Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to do chapter 4 of Vistas. So 12th class NCERT supplementary reader ka 4th chapter aaj main aapko explain karne wali hu. Acha usse pehle I just want to say ki Flamingo jo book hai uski chapter wise explanation line by line NCERT ki explanation theek hai maine karwai hui hai, to mere channel pe aapko wo sari videos mil jayengi aur playlist ka jo link hai aapko is video ke description box mein mil jayega, to wahan se aap access कर सकते हैं उन वीडियोस को. और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर. सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय पर्ल एस बक. ओके, सो दिस द एनिमी, इट इज अ स्टोरी अबाउट द वॉर बिटवीन अमेरिका एंड जापान, बेसिकली अबाउट द वर्ल्ड वॉर. ओके, सो व्हेन अमेरिका एंड जापान वर एनिमीज. तो यहां पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सडाओ होकी, ही वॉज अ जापनीज डॉक्टर. और उनके घर के बारे में बताया जा रहा है कि उनका घर कहाँ था. इट वॉज ऑन द जापनीज कोस्ट, एंड एज अ लिटिल बॉय ई ऑफन हैड प्लेड देयर. सो ऑफकोर्स जापनीज कोस्ट पर वो पहले जब छोटे थे तो खेलने आते थे डॉक्टर सडाओ, और आज अब उनका घर भी उसी जगह पर है. उनका घर स्टोन हाउस था और रॉक्स के ऊपर बना हुआ था. एज अ बॉय बचपन में सडाओ जो थे वो क्या कहते हैं यहाँ पर कोस्ट पर आते थे, और जो पाइन ट्रीज हैं कोकोनट के पेड़ों पर, लोगों को देखते थे कि नंगे पैर चढ़ रहे हैं कोकोनट्स उतारने के लिए, राइट, बेयर फीट. और ये जो एरिया है, ये जो कोस्ट है, ये है साउथ सीज का, ठीक है, साउथ सीज का ये किनारा है. और यहाँ पर अक्सर वो अपने पापा के साथ बचपन में आते थे, जहाँ पर उनके पापा उन्हें दिखाते थे डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स सी के अंदर. तो वहाँ वो देखते थे पाइन ट्रीज को, और उनके पापा कहते थे कि ये जो साउथ सीज है ना, और इसके अंदर के जो आइलैंड हैं, ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान. तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये आगे बढ़ बढ़ के बहुत डेवलप्ड नेशन को अंजाम देंगे, जो कि एक जापान बन जाएगा आगे, एक आपका डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश बन जाएगा. सो दिस शोज दैट हिज डैड वॉज विजनरी, राइट, हिज डैड वॉज इंस्पायरिंग एंड विजनरी. तो यहाँ पर उनके जो पापा हैं वो यही कहते थे कि हमारे फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता है, मतलब जापान एज अ नेशन उसके फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता है. और ये जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, साउथ सी के अंदर, ये स्टेपिंग स्टोन्स आके जाकर ये कहलाएंगे. सो अब जो सडाओ के फादर, उनके बारे में बताया कि उनके फादर कभी जोक नहीं करते थे ज़्यादा, और हमेशा उनके साथ कोई खेलते वेलते भी नहीं थे, ठीक है, और हमेशा उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे सडाओ के पापा. और जैसे कि होता है ना कि हर पेरेंट्स का चीफ कंसर्न होता है कि हाँ मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए, तो उनकी एजुकेशन भी सडाओ के पापा के लिए सबसे बड़ा कंसर्न थी. सो इसीलिए 22 की उम्र में सडाओ को उन्होंने, उनके पापा ने, मतलब अमेरिका भेज दिया था सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए, मतलब डॉक्टरी करने के लिए उनके पापा ने अमेरिका में भेज दिया था. और फिर 22 की उम्र में गए थे, और 30 की उम्र में सडाओ होकी वापस आए थे जापान में, जब वो एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर, सर्जन और साइंटिस्ट बन चुके थे. तब तक उनके डैड जिंदा थे, ठीक है, और उनके डैड तभी मरे थे, अपने बेटे को एज अ सर्जन और एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट देखकर ही उनके पापा ने अपनी आखिरी सांसें ली थी. तो साइंटिस्ट इसलिए बोला गया है सडाओ होकी को क्योंकि वो बहुत अच्छे एक रिसर्चर थे, और उन्होंने एक फील्ड में रिसर्च करी थी जहाँ पर आप वूंड्स को, मतलब घाव को, आराम से पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हो, उन्हें क्लियर कर सकते हो, साफ कर सकते हो, राइट. सो दिस वॉज हिज डिस्कवरी अबाउट रेंडरिंग वूंड्स एंटायरली क्लीन. तो ये इनकी डिस्कवरी थी, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिसर्च करी थी, और इसकी वजह से इनको एक महान साइंटिस्ट की भी उपाधि दी गई थी. अब वो जब वापस जापान आ गए थे, तो वो एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर, सर्जन, साइंटिस्ट सब कुछ थे, ठीक है, मस्त उनकी ज़िंदगी थी. और फिर उस टाइम पे वॉर भी चल रही थी अमेरिका और जापान की, तो उनको अब्रॉड नहीं भेजा गया, मतलब उनको मिलिट्री आर्मी के साथ जो है दूसरे देश में नहीं भेजा गया सडाओ होकी को. और उनके जो वहाँ पर जापान में जो मिलिट्री के जनरल थे, उन्होंने वहीं रोक लिया जापान में सडाओ होकी को, क्योंकि जनरल उनके बहुत अच्छे मित्र थे, और जनरल सडाओ होकी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे एज अ डॉक्टर, क्योंकि सडाओ होकी वॉज अ वेरी एक्सलेंट डॉक्टर. और जनरल सोचते थे कि अगर मुझे कभी भी किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या मेरी कंडीशन कभी भी ज़्यादा क्रिटिकल होगी, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सडाओ होकी शुड बी द वन टू ट्रीट मी, राइट. तो वो उन्हीं पर पूरा विश्वास करते थे एज अ डॉक्टर. तो जनरल ने उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए रखा हुआ था, और यहाँ पर उन्हें बोला कि आप यहीं पर रहो, रिसर्च करो, अपना डॉक्टरी वॉक्टरी करो, और यहाँ पर जनरल का आर्मी के जो बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं उनका ध्यान रखो, राइट.
अब क्या है कि अब सीन बता रहे हैं, सीन के बारे में बता रहे हैं कि सडाओ होकी जो है वो अपने रूम की बालकनी बालकनी पे खड़े थे घर की, और वहाँ पर क्लाउड्स जो थे ऐसे राइज हो रहे थे, ठीक है, और ओशन में बड़ी बड़ी लहरें चल रही थी, तो रूम में वो खड़े हुए थे, मतलब रूम की बालकनी में ऑफकोर्स, तो उनकी वाइफ आई हैना, वो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम हैना था, और उनके दो बच्चे भी थे सडाओ होकी के, ओके, और वो आई पीछे से, उनको उन्होंने हक कर लिया सडाओ होकी को. शी वॉज वेयरिंग अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो. सो उन्होंने एक किमोनो पहना हुआ था, एक गाउन जैसा पहना हुआ था, जैसे नोबिता के पापा जब काम से आके गाउन सा पहन लेते थे ना और बैठ जाते थे, तो वैसे उन्होंने गाउन पहना हुआ था, उनके साथ ऐसे बेल्ट लगाई हुई थी, दैट इज कॉल्ड अ किमोनो, और ऐसे आके पीछे से उन्हें ऐसे हक कर लेती है, तो उनका बहुत ही कोजी रोमांटिक लवली सा मोमेंट चल रहा होता है, और खड़े हैं स्माइल कर रहे हैं, अरे ये सब प्यार व्यार हो रहा है. तो अब क्या होता है कि अब हैना के बारे में बता रहे हैं कि हैना से वो कैसे मिलते हैं डॉक्टर सडाओ होकी. सो हैना से वो ऐसे मिलते हैं कि जब वो अमेरिका में गए होते हैं पढ़ाई करने के लिए डॉक्टरी की, तो वो एज अ पीजी मतलब पेइंग गेस्ट किसी प्रोफेसर के घर पर रह रहे होते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम होता है प्रोफेसर हार्ले, ओके. सो उनके घर में वो एज अ पीजी रहते हैं, तो होता है ना कि पीजी में बहुत सारे अलग अलग कमरे होते हैं और अलग अलग कमरों में अलग अलग बच्चे रह रहे होते हैं, तो उन्हीं में वन ऑफ द बच्चा वॉज हैना, ओके. तो वो उन्हें पीजी में मिलते हैं, मतलब उन्हें हॉस्टल में पीजी में मिलकर एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि हैना होती है, दोनों ही पढ़ाई कर रहे होते हैं. तो अब वो अपने पीजी के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ के जो रूम्स थे बहुत ज़्यादा स्मॉल थे, फूड बहुत गंदा था, प्रोफेसर की जो वाइफ थी हार्ले प्रोफेसर की जो वाइफ थी बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी, और वहीं पर उन्हें हैना से पहली नज़र का प्यार हो गया था, ठीक है, पहली नज़र में, वहीं पर उन्हें हैना से पहली नज़र का प्यार हो गया था, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया. सो अब क्या होता है कि उन्होंने वहाँ अपनी पूरी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करी अमेरिका में, दोनों मियाँ बीवी ने, मतलब अभी वो मियाँ बीवी नहीं थे, अभी वो ऐसा बंदा बंदी थे, और फिर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली फिर वो वापस जापान आ गए, और फिर उन्होंने अपने पापा को दिखाई लड़की की, देखो इससे मैं अपनी बात चलाना चाह रहा हूँ, तो फिर उन्होंने अपने पापा जो उनके थे उन्होंने अरेंज मैरिज उनकी करवा दी सडाओ होकी की, बिल्कुल ही ओल्ड अपनी स्टाइल में उन दोनों लड़का लड़की की शादी हो गई, दे वर परफेक्टली हैप्पी. अच्छा ये जो सडाओ होकी थे ना, इन्होंने तब तक हैना से शादी नहीं की जब तक इन्होंने मेक श्योर नहीं कर लिया दैट शी इज़ प्योर रेस जापनीज, ओके. तो तभी उन्होंने सडाओ होकी ने उससे बात चलाई आगे और उससे फुल फ्लेजेड ऐसे प्यार करा कि अब तो मुझे और प्यार हो गया, क्योंकि वो अंदर से जापनीज भी है, राइट. क्योंकि होता है ना फिर बीच में बैरियर आ जाए, फिर पापा मना कर देंगे मम्मी मना कर देंगी, तो उन्होंने वो सब का ड्रामा ही किया, उन्होंने पहले ही सारी चीज़ें टिक टिक कर दी है बॉक्स की, अच्छा जापनीज भी है तो अभी मैं इससे प्यार करूंगा और शादी करूंगा, ओके. सो दिस मोमेंट ये अच्छा हाँ, तो है ना कि फ्लैशबैक में वो चले गए थे अपने अमेरिका के बारे में सोच रहे थे, तो फ्लैशबैक से चलो बाहर आ जाते हैं और अभी मोमेंट चल रहा है पति पत्नी का, तो सामने अचानक से वो बालकनी के बाहर देखते हैं कि एक ओशन में से कुछ ब्लैक ब्लैक सा बाहर निकल रहा है, और देखते हैं कि वो कुछ ब्लैक कलर का आदमी सा बाहर आ रहा है, और उसकी जो बॉडी है मतलब बॉडी से ऐसे धुआं धुआं सा आ रहा है, ठीक है, इट्स लाइक कि जो धुआं उड़ रहा है बॉडी में से, ओशन का पानी जो इवेपोरेट हो रहा है, एंड ही इज इन टू वेरी बैड कंडीशन, मतलब कपड़े से फट रहे हैं और ऐसे बिल्कुल रेंग रेंग कर आ रहा है, क्रॉल करके आ रहा है, मतलब हाथ पे नीज पे ऐसे क्रॉल करते हैं ना, तो वैसे वो क्रॉल करके आ रहा है वो आदमी, और है ना पूछती कि ये कौन है, तो सडाओ कहते हैं कि हो सकता है कोई फिशरमैन हो और वो बोट पर फिशिंग कर रहा हो, तो उसकी बोट जो है वो सिंक हो गई हो और मैन अपनी जान बचाकर ऐसे सी में तैरते तैरते किनारे तक पहुंचा हो, तो सडाओ से ऐसे कहते हैं अपनी बीवी को. फिर वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा घाव वाले, तो वो ना फटाफट भाग कर उतर के बालकनी से, मतलब ऐसे बालकनी से छलांग नहीं मारते, नीचे से सीढ़ियों के रास्ते जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंसान जो है वूंडेड है, मतलब घाव हो रखे हैं उस इंसान को, और उसने ऐसे टैटर्स पहने, मतलब फटे हुए कपड़े हो रखे हैं उसके, और वो ऐसे ज़मीन पर पड़ा हुआ है उल्टा लेकर लेट कर, और जब वो उसके से मोड़ के शक्ल देखते हैं तो इट वॉज़ अ वाइट मैन, मतलब ही वॉज अमेरिकन, ओके. तो वो देखते हैं कि अरे ये वाइट मैन जापान में क्या कर रहा है, मतलब इससे ये पता चलता है कि एक अमेरिकन भाग कर जापान में, वो एक प्रिजनर था, ठीक है, जापान में ही वॉज अ बंदी, ही वॉज अ प्रिजनर, और वो अपनी प्रिजन से भाग कर जापान में कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढने आया था.
उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था प्रिजन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा वाउंडेड था, उसको एक गोली भी लगी हुई थी. होता ना कि जब कोई प्रिजनर भाग रहा है तो उसको पीछे से गोली गोली भी मारते, लेकिन वो बच बचा के कैसे ना कैसे सी के रास्ते वो छोर पर आकर पड़ा हुआ था. अब उसके बाल देखे उन्होंने तो वो भी बिल्कुल ब्लॉन्ड कलर के थे, उसकी दाढ़ी भी ब्लॉन्ड कलर की थी ना, होते हैं अमेरिकन ब्लॉन्ड्स राइट. और ही वॉज अनकॉन्शियस, मतलब वो ना ऐसे लेटा, मतलब एज इन फेंट पड़ा हुआ था. फिर सड़ाओ देखते कि अच्छा उसको तो गन का वुंड भी है, उसकी लोअर बैक में मतलब गोली का निशान विशान पड़ा हुआ है. और द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर ऑफ कोर्स, जो उसका गन पाउडर से उसके जो आसपास का फ्लैश था, उसके आसपास की जो स्किन थी दैट वॉज ऑल्सो ब्लैक इन कलर, एंड ही वॉज ऑल्सो ब्लीडिंग हैविली. सो अब उतना ज़्यादा ब्लीड कर रहा था तो सड़ाओ पूछता है हम क्या करें इस आदमी का. तो फटाफट क्या करते हैं कि वो ब्लीडिंग पे जो उसका घाव होता है उस पर सी मॉस लाकर, मतलब सी वीड्स लाकर, सी के कुछ प्लांट्स होते हैं उसको लाकर ऐसे ढक देते हैं राइट, ताकि उससे खून बाहर ना आए और ज़्यादा. और सड़ाओ कहता है कि सबसे अच्छी चीज़ होगी कि हम इसे वापस ओशन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि अगर हमारे को किसी अमेरिकन के साथ देख लिया तो हमारी ऐसे तैसे हो जानी है. तो अब ऐसे बोलते सड़ाओ, और मतलब उनके मन में इट्स लाइक कि डिलेमा आ जाता है कि ऑफ कोर्स एक अमेरिकन, मतलब अगर मैं एक इंडियन हूँ और इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और मेरे सामने एक पाकिस्तानी आके पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगी. मैं डिलेमा में आ जाऊँगी ना कि यार मैं इसको या तो पुलिस मिलिट्री के हवाले कर दूँ या फिर मैं इसको एज इसकी जान बचाऊँ या इसकी हेल्प करूँ. तो वही सिचुएशन थी बिल्कुल जापान और अमेरिका की. तो ही वॉज ऑल्सो इन डिलेमा एंड कन्फ्यूजन कि अगर मैं एक वाइट आदमी को हाउस में शेल्टर देता हूँ तो हम लोगों को खुद को अरेस्ट कर लेंगे राइट, और अगर मैं इसको हैंड ओवर कर देता हूँ इसी हालत में मिलिट्री को तो ये वैसे भी मर जाना. तो ही वॉज लाइक वेरी मच इन टू डिलेमा. द काइंडेस्ट थिंग इज़ कि हम इसको वापस ओशन में डाल देते हैं, वही उसकी बीबी बोली इसको वापस ओशन में डाल दो. तो फिर वो उसके ऐसे थोड़ी छानबीन से करते हैं बंदे की कि ये कौन है क्या है, इसका बैच बैच देखते हैं तो पता चलता है कि ही इज़ अ सेलर फ्रॉम अमेरिकन वॉरशिप. ओके, तो वॉर की जो शिप्स होती है अमेरिका में जो वॉर वाली शिप्स चलती होगी उसका एक सेलर था वो यूएस नेवी के अंदर, तो पता चल जाता है. एंड ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. ओके, सो POW, ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. ये याद रखने वाली टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. नाउ ये भाग कर आया होता है, ठीक है, इसको बंदी बना लिया होता है और ये भाग कर बच बुझा कर एस्केप करके यहाँ तक पहुँचा होता है इस सी के किनारे तक, और इसलिए ये वाउंडेड भी होता है पीछे से, क्योंकि पीछे से गोली मारते ना बंदे को कि भग रहा है जो, तो वही इसका सीन था. अब क्या होता है कि वो लोग फिर से वही कन्फ्यूजन में सोच रहे थे कि अरे क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि ये वाउंडेड भी है तो हम इसको वापस सी में भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इंसान के अंदर एक ह्यूमैनिटी वाला भी फैक्टर होता है. कोई तुम्हारे सामने मर रहा है तो तुम उसको और थोड़ी मार दोगे, उसकी जान ही तो बचाओगे है ना, उसको पानी पिलाओगे, उसकी मरहम पट्टी करोगे. ऑफकोर्स जानवर भी, कोई तोता भी पड़ा हुआ है, कोई चींटी भी पड़ी हुई है, तो भी हम उसको बचा ही लेंगे, ऐसे थोड़ी कि ऐसे मसल देंगे, वो नहीं करना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग. ओके, तो अब क्या होता है, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस. तो फिर सड़ाओ कहता है कि हम इसे, सड़ाओ नहीं है वो सड़ाओ है, तो वो कहता है कि हम इसको अब घर में ले जाते हैं घर में. बट सड़ाओ पूछते हैं कि अच्छा जो हमारे सर्वेंट्स हैं वो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो अच्छे खासे अमीर लोग होते हैं ना, उनके तो घर में भी बहुत सारे नौकर चौकर थे. तो अब वो सोचते हैं कि इसको अगर हम घर ले जाएंगे तो हमारे सर्वेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे, सर्वेंट्स तो जाके इधर उधर बता देंगे. तो उन्होंने बोला अपनी वाइफ हैना को कि हम सर्वेंट्स को यही कहेंगे कि हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे एक बार ये थोड़ा ठीक हो जाए. फिर उसकी हालत देखते हैं इंसान की, तो ही वॉज हाफ स्टार्व्ड. ओके, सो ही वॉज मतलब बहुत भूखा होता है अंदर से, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी स्किनी, और उनकी ऐसे ऐसे सारी स्केलेटन उसकी चमक रही थी, मतलब उसको खाना नहीं मिला हुआ था. ही वॉज टॉर्चर, उसके ऐसे स्कार्स थे ऐसे नेक के ऊपर, यहाँ पर जैसे किसी ने जलाया हो, उसके साथ टॉर्चर वगैरह किया हो, तो ऐसा उसका हालत था. तो उसको जब अंदर घर के लेकर आए दोनों मियाँ बीवी, तो उसको ले आया गया सड़ाओ के पापा के घर में, ठीक है, जो कि अब जिंदा नहीं है ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली. तो उनके पापा के घर के रूम के बारे में बताया कि उनके पापा का जो रूम था वो जापनीज स्टाइल का था, ठीक है, बिल्कुल ही जापनीज तरीके का ओल्ड था, बेडशीट, कर्टन्स, कबर्ड्स, डोर्स सारे जापनीज वे स्टाइल के थे. और शी वॉज ऑल्सो हेजिटेटिंग हैना कि यार मैं इसको अच्छे इतने अच्छे कमरे में ले जा रही हूँ और वहाँ पे ऐसे सिल्क के क्विल्ट्स है, चद्दर है, मैट है, रग है, वो सब गंदा हो जाएगा ऑफकोर्स राइट. तो वही जैसे लड़कियां और औरतें सोचती हैं कि यार ये गंदा हो जाएगा मेरे घर का, वो गंदा हो जाएगा, तो वो भी वैसे ही सोच रही थी हैना जो थी हमारी. और वो इतना ज़्यादा डर्टी था ऑफकोर्स, इतना खून बह रहा था तो ही वॉज डर्टी.
तो अब सडाऊ जी कहते हैं कि हम क्या करते हैं, थोड़ा वाटर ले आओ, गर्म पानी ले आओ और इसको हम नहला धुला देंगे, और क्योंकि जब नहला धुला देंगे तो अच्छे से और उसके वो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इसको वूंड्स हुए हुए हैं, राइट। तो अब क्या होता है, तो सडाऊ कहते हैं कि मैं इसको नहला धुला देता हूँ, तो उसकी वाइफ जो कहती है ना कि तुम मत इसको टच करो, मैं सर्वेंट्स को बोल देती हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा आया है, और मैं यूमी से बोलूँगी वो बच्चों को छोड़ कर, मतलब यूमी क्या होती है, कौन होती है, वो बच्चों की नैनी होती है, नैनी एज इन की जो बच्चों को मतलब ऐसे संभालना, उनकी डेली की अपब्रिंगिंग, डेली के कोर्स करना बच्चों के, राइट, वही वो करती थी, नैनी थी यूमी। और यूमी को कहती है कि मैं यूमी को बुला लूँगी, वो इस बंदे को नहला देगी, और वो सटाओ कहता है कि तुम यूमी को जाके बताओ इस बंदे के बारे में, और मैं बाकी हमारे माली और कुक को बता दूंगा कि ऐसे ऐसे कोई एक स्ट्रेंजर आया हुआ है, ही इज़ अमेरिकन, और मैं उनको बता दूंगा कि हम इसे हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को, अभी हम इसकी बस मरम पट्टी कर रहे हैं, राइट। अब जब डॉक्टर सदाओ उस स्ट्रेंजर को चेक करते हैं तो उसकी थोड़ी जो हार्ट होती है, उसकी हार्ट बीट्स आ रही होती है, राइट। तो वो कहते हैं कि मुझे ना फटाफट इसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये जल्दी से मर जाएगा, राइट। तो वो उसका फिर बंदे का ऑपरेशन करते हैं। वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि इंसान इतना कुछ लगने मरने, गोली भी लगी हुई है, ठुका पड़ा हुआ है, ये इतना सब कुछ सहने के बाद भी जिंदा है, तो इसके अंदर कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी होगी, अलग ही कुछ इसके अंदर ताकत जानवान होगी, मतलब बचपन में तो बहुत तगड़ा खाया, उसकी मम्मी ने घी वी उसे खिलाया होगा, राइट। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले तो वही कि उसको नहलाना होता है ऑपरेशन करने से पहले, और वो जाती है ना जाके नर्सरी पे, मतलब नर्सरी उनके घर के अंदर जो बच्चों का रूम होता है उसे नर्सरी कहा गया, तो वहाँ से बुलाती है यूमी को, जो जल्दी आओ तुम्हें एक काम बताना है। तो यूमी के हाथ में छोटा सा बेबी होता है, बेबी बॉय होता है 3 मंथ्स का, और वो उसको सुला रही होती है कि थोड़ा ऐसे ऐसे पैट पैट करके सुलाती है ना, तो नानीज उसको ऐसे सुला रही थी वैसे ही। तो अब यूमी को वो बुलाती है कि जल्दी आओ यूमी, इधर आओ, कम विद मी। और जो डॉक्टर सडाओ होते हैं वो जाकर अपने गार्डनर और कुक को जाकर उसके स्ट्रेंजर के बारे में बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये इंसान यहाँ पर आया हुआ है। अब जो उनका गार्डनर होता है वो कहता है कि हमारे मास्टर एक वाइट मैन का वुंड कैसे हील कर सकते हैं, इस वाइट मैन को तो मर जाना चाहिए क्योंकि ये हमारा एनिमी है, राइट। तो वो जो गार्डनर होता है उनका, वो बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस होता है इस इंसान को लेकर, कि जैसे तैसे तो इसको, इसकी फेट में लिखा है मरना, ये बुलेट से बचकर आया है, ये सी से बचकर आया है, अगर आपने इसकी जान बचा दी ना तो आप लोगों पर मौत आ जाएगी बुलेट या सी के थ्रू, मतलब इट्स लाइक कि वो कुछ ऐसे सुपरस्टिशन वगैरह लगा रहा था, बट ऐसे हैना वैना कुछ उसकी बात को मानती नहीं है, जो कि गार्डनर जो बकवास बोल रहा था। और हैना यूमी से कहती है कि तुम गर्म पानी लेकर आओ, फटाफट लेकर आओ, वाइट मैन को नहलाना है। तो जब यूमी आती है तो वो मना कर देती है कि मैं तो नहीं नहलाऊंगी इस आदमी को, मैं क्यों नहलाऊंगी, तो एक वाइट मैन है और मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा कोई काम नहीं है ये वाइट मैन को नहलाना धुलाने का। और फिर हैना उसे डांट के कि चलो तुम जाओ फिर अपने आप यहाँ से, अगर काम नहीं करवाने तो बकवास मत करो, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ऑफकोर्स यूमी भी डर जाती है एक वाइट मैन को देख के कि यार हमारा दुश्मन पड़ा हुआ है हमारे सामने, मैं अगर फंस गई किसी चीज़ में कि अरे तुम क्या कर रही थी उसके साथ, जो भी है ऑफकोर्स डरता है आदमी ये सब करने से पहले, राइट। तो ऐसे ही वो भी यूमी डर रही थी उस चीज से। अब हैना वो करती है काम उसको नहलाने धुलाने का, ठीक है, बाहर होते हैं डॉक्टर सडाओ तो हैना उसको वॉश कर रही होती है, उसकी अपर बॉडी क्लीन वगैरह करती है। और फिर जैसे ही वो सोच रही है कि अरे कहाँ चले गए ये, मतलब मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए, तो एकदम से वो उसके हस्बैंड आ जाते हैं अपनी सर्जन की इमरजेंसी बैग लेकर और सर्जन का कोट पहनकर, उसके हस्बैंड आ जाते हैं फटाफट उसको ऑपरेट करने के लिए। वो डिसाइड करते हैं कि मैं इसका अब ऑपरेशन करूँगा। सो अब क्या होता है कि उसको बिल्कुल ही ऐसे लेटाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए, और सारे उनका जो आसपास का एरिया होता है वो भी मतलब ब्लड से कवर हो जाता है, राइट, गंदा हो जाता है वो सब एरिया। तो वो बोलती है ना कि ये सब गंदा हो गया, मैट खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट सडाओ कुछ उस पर ध्यान नहीं देते, कहते कि मेरी हेल्प करो, इसको मोड़ो ऐसे पीछे, इसको उल्टा लेटाओ पेट के बल, ताकि मैं इसकी जो लोअर बैक में जो बुलेट है ना उसको निकाल पाऊंगा। देन क्या होता है कि जो डॉक्टर सडाओ है वो उसकी लोअर बैक को ऐसे वॉश करने लगते हैं, और यूमी ने तो वॉश करा नहीं, तो वो बताती है ना कि यूमी ने तो वॉश करा नहीं, तो वो पूछते कि तुमने धोया है इसे, मतलब तुमने इसको नहलाया है, तो कहती हाँ मैंने इसे नहलाया। अब फिर डॉक्टर उसको कहते हैं अपनी वाइफ है ना को कि तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, एनेस्थीसिया इज दैट इंजेक्शन की जो देकर बेहोश हो जाते हैं। कहती है कि मैंने तो कभी एनेस्थीसिया लगाई नहीं है ना, मैंने कभी कोई इंजेक्शन लगाया है,
तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं बहुत इजी है, लग जाएगा। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी पैकिंग निकालते हैं ना, कि वो जो सी मॉस वाली उसके पीछे से बैग, देखो पैकिंग निकाल रहे हैं, अब देखो पूरा घाव, देखो यहाँ ऐसे इसकी चोट लगी हुई है, ये उन्होंने सी मॉस से कवर करा हुआ था। जैसे उन्होंने इसको निकाला ना ऑपरेट करने के लिए, तो और खून बहने लगा, ओह माय गॉड, तो खून का फुहारा छूट रहा हो। अब क्या होता है, वो देखकर तो जो हैना होती है वो थोड़ी ना ऐसे परेशान हो जाती है, मतलब शी गेट्स अनकम्फर्टेबल, राइट, अनईजी, उसको ऐसा फील होता है। और डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, इसके घाव के अंदर अभी भी एक बुलेट जो है वो है अंदर, और कहते हैं कि इसने अपना ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया, इसका ब्लड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मतलब बह चुका है। हैना को अब क्या होता है, उल्टी आ जाती है एकदम से, वो अपने मुंह पर हाथ रख देती है ऐसे ब्लड वगैरह ना देखकर। ऑफ कोर्स किसी भी लेडी या गर्ल को ये सब हो सकता है, क्योंकि ना वो डॉक्टर है, ठीक है, ना उसने ये सब कभी देखा है करा है, उसको उल्टी आ जाती है। वो फटाफट बाहर जाती है और ऐसे वॉमिटिंग वगैरह कर आती है, और डॉक्टर बेचारे अपनी वाइफ को मतलब उनकी उसकी हेल्प करना चाहते थे, बट डॉक्टर के सामने पेशेंट होता है तो वो नहीं जा पाते हैं डॉक्टर से डाउ, राइट। फिर अब जब हैना वापस अंदर कमरे में आती है तो वो पूछती है डॉक्टर सडाओ से कि एनेस्थीसिया कहाँ है, मैं इसको एनेस्थीसिया दे देती हूँ, मैं इसको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती बिल्कुल भी। अब फिर उसको बताते हैं कि ये बॉटल पड़ी है, इसमें थोड़ी सी बॉटल से थोड़ा सा ऐसे लो सॉल्यूशन, उस पर कॉटन पर लगाओ और अपने हाथ को उसकी नॉस्ट्रल्स के पास लेके जाओ, ताकि वो उसको जब इनहेल करेगा तो वो अपने आप अनकॉन्शियस हो जाएगा और धीरे धीरे बेहोश हो जाएगा, राइट। तो वो ऐसे ही थोड़ा ब्रीथ करता है उसे और वो बेहोश हो जाता है। और अगर वो कुछ ज़्यादा ही गंदी तरीके से ब्रीथ करने लगे तो उसको दूर ले जाओ अपनी कॉटन को, ये भी नहीं कि वो मरी जाए इंसान एनेस्थीसिया के चक्कर में। तो फिर वो उसको वैसे ही करती है और इंसान जो है वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसका ऑपरेशन चल रहा था तो हैना देखती है कि उसकी जब बॉडी देखती है तो उस पर ऐसे स्कार्स होते हैं, घाव होते हैं, टॉर्चर के होते हैं ना, किसी को जलाया है, मारा है, आपको पता है कितनी बुरी बुरी तरीके से पुलिस मारती है, मिलिट्री वाले, जैसे हमारे अभिनंदन जो पायलट थे उनको भी कितना टॉर्चर करा था ना जब वो पाकिस्तान में फंस गए, तो सोचो इसको भी इतना टॉर्चर वगैरह इन्होंने किया था। वो उसके स्कार्स वगैरह ये सब नोटिस करती है। अब जो डॉक्टर है वो उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे होते हैं और उसकी पूरी ह्यूमन बॉडी को वो एज अ एनाटॉमी देख रहे होते हैं, जैसे उनकी अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी ने उन्हें बताया होता है कि इंसान की बॉडी में एक एक एटम, एक एक सेल की क्या क्या नॉलेज होती है। वो वैसे ही अपनी नॉलेज एकदम टेक्निकल वाली लगा रहे होते हैं कि ये कार्डिनल ये है, वो है, वो है, ठीक है, और वो उसका क्या कहते हैं ऑपरेशन कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि एकदम से वो एकदम बिल्कुल क्लीन और प्रिसाइज तरीके के ऐसे वो ऐसे कट्स मारते हैं और अंदर से बुलेट निकाल ले आते हैं। सो दिस प्रूव्स दैट ही वाज अ वेरी यू नो एक्सीलेंट सर्जन डॉक्टर सडाओ। फिर डॉक्टर सडाओ उसकी ऐसे हाथ पकड़ के उसकी चेक करते हैं कि इसकी कितनी पल्स चल रही है, और मतलब उनका मन नहीं कर रहा होता है ऑफकोर्स, क्योंकि वो एक अमेरिकन है, उनका दुश्मन है, स्टिल वो उसकी पल्स ऐसे हाथ पकड़ कर टच करते हैं। तो वो उसको देखते हैं कि इसकी जो पल्स है वो ना बहुत स्लो चल रही है, और अंदर वो सोचते हैं कि मतलब मैं नहीं चाहता कि ये इंसान ये जिए। स्टिल मतलब ऑफकोर्स ऐसा होता है ना कि जो तुम्हारा दुश्मन है तुम सोचते हो अंदर ही अंदर कि यार शायद ही ना ही जिए, मरी जाए, ठीक है, इसका एंड अप भी यही हो जाए। तो बस फिर वो उसकी पल्स वगैरह चेक करते हैं तो उसकी पल्स में मतलब गिरावट हुई होती है बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं, उसको एक हाइपोडर्मिक दे देते हैं, राइट, और एक इंजेक्शन लगा देते हैं हाइपोडर्मिक पेशेंट की लेफ्ट आर्म पे। और फिर जब वो उसकी पल्स चेक करते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ, इसकी जो पल्स है वो अब थोड़ी बेटर हो गई है, अब वो अच्छे से ब्रीथ कर पा रहा है, उसकी हार्ट बीट सही थोड़ी चल रही है। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, मतलब जब उसको इंसान को होश आता है, ठीक है, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को जब होश आता है तो बहुत ही वीक होता है, और उसकी नीली आंखें मतलब ब्लू आइज बताया कि इतनी ज़्यादा डर में होती हैं। उसे जब वो देखता है कि आसपास का पूरा माहौल जो है वो जापनीज है, राइट, और वो जब एकदम से उठता है तो हैना उसे देखती है और कहती है कि डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। और वो आदमी से पूछता है कि तुमको इंग्लिश कैसे आती है, हैना से पूछता है वो प्रिजनर ऑफ वॉर। तो हैना उसे बताती है कि मैं बहुत टाइम अमेरिका में रही थी। देन हैना क्या करती है, उसे पोर्सिलिन स्पून से उसे कुछ खिला पिला देती है ताकि वो कुछ खाए और वो थोड़ा बेटर फील करे और उसकी वीकनेस जाए, और वो उसे खा लेता है। और देन थर्ड डे डॉक्टर सडाओ आते हैं उस प्रिजनर ऑफ वॉर से मिलने, उस आदमी से मिलने, और वो उठता है, मतलब आदमी डॉक्टर सडाओ को देखकर ऐसे बेड से उठता है
तो डॉक्टर चिल्लाता है कि अरे मत उठो, लेटे रहो, लेटे रहो, तुम मरना चाहते हो क्या? तो ऐसा कुछ होता होगा कि ऑपरेशन में ब्लड का फ्लो जो है वो बॉडी में बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, तो बैठाते नहीं है पेशेंट को, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो वो कहते हैं कि तुम अपने आप को मार लोगे अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, तुम उठ के बैठ जाओगे। अब फिर जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो लड़का होता है, वो डॉक्टर सडाओ से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे अब। और फिर डॉक्टर सडाओ से कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ, अभी तक मुझे नहीं पता है, शायद मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँ क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो, तो प्लीज़ तुम मुझे ना अपना नाम बताओ ना तुम मुझे अपने अते पते के बारे में बताओ, और मैं जब तक ना पूछूँ तुम अपने बारे में मुझे कुछ मत बताना। ऐसे इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर सडाओ उस प्रिजनर ऑफ वॉर को कहते हैं। अब हैना आती है डॉक्टर के पास, वो कहती है कि सडाओ जरा सुनो, यूमी कहती है कि जो सर्वेंट्स है ना उनको ठीक नहीं लग रहा है इस सिचुएशन में घर पे रहना, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, हमारे घर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो कैदी जो है वो बंद है रह रहा है, और सर्वेंट्स ये चीज़ देखकर मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो सर्वेंट्स यहाँ से जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उनको लगता है कि हम जो हैं देशद्रोही हैं, वी आर गद्दार, वी आर ट्रेटर्स, राइट, वी आर, ऑफ कोर्स मैं और गंदा वर्ड नहीं बोलूंगी, बट उनके सर्वेंट्स को डेफिनेटली लगता था कि ये जो मियाँ बीबी है ये दोनों गद्दार है, ठीक है, और ये अमेरिकन्स की साथ दे रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका में रहकर आए हैं इसीलिए। तो सडाओ फिर अपनी बीवी की बात सुनकर उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, अमेरिकन्स जो है हमारे एनिमीज ही हैं। बट जो एक ट्रेनिंग मिली होती है डॉक्टर को कि डॉक्टर के सामने अगर कोई पेशेंट मर रहा है तो उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी यही होती है कि वो उसकी जान को बचाए, क्योंकि जब डॉक्टर जब बन जाते हैं तो वो ना ओथ लेते हैं कि मैं अपने सामने किसी भी इंसान को मरने नहीं दूंगा और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं कैसे ना कैसे उसकी जान को बचा पाऊँ, राइट। तो ये हर डॉक्टर ओथ लेता है, ठीक है, जब उसको डिग्री वगैरह मिल रही होती है, तो ऐसी हर डॉक्टर की एक ड्यूटी होती है, तो वो अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी कर रहे थे डॉक्टर सडाओ, राइट, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी कर रहे थे, और उनके लिए अमेरिकन्स आज भी एनिमीज ही हैं, क्योंकि सर्वेंट्स भी इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेंजर। तो गार्डनर कहता है कि इस इंसान को, जब ये इंसान इतना डेथ के करीब था तो डॉक्टर ने इसे मरने क्यों नहीं दिया, इसको बहने क्यों नहीं दिया, इसका खून मर जाता है, खून बहते बहते इसको क्यों बचाया। और फिर दूसरा कुक कहता है कि हमारे जो मास्टर हैं, जो हमारे सर हैं, उनको इतना प्राउड है अपने डॉक्टर होने का कि वो किसी की भी जान बचा लेते हैं, वो देखते नहीं कि किसकी जान बचा रहे हैं, अरे देख तो लो तुम किसकी जान बचा रहे हो। तो ऐसे जो है वो कुक ऐसे ऐसे टॉन्ट मार रहे होते हैं, मतलब आपस में गार्डनर और कुक ना जानबूझ के मतलब ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे होते हैं ताकि इन दोनों के मास्टर्स को, इन दोनों के वही पति पत्नी जो हैं ना और सडाओ, इन दोनों को पता चल जाए कि इनके बारे में क्या बात चल रही है। और यूमी कहती है कि अब इनके बच्चों का क्या होगा, इनके मान लो इन दोनों को प्रिजनर मतलब इन दोनों को जेल हो जाए तो इनके बच्चों को क्या होगा, इनके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, इन्होंने अपने ज़रा सा भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोची इस इंसान को अपने घर में लाते हुए, और ये तो गद्दार है, इनके पापा को मतलब इन उन बच्चों के आगे फ्यूचर में यही बोला जाएगा कि जो तुम्हारा बाप था बेटा वो तो गद्दार था। तो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे तीनों के तीनों जो आपके सर्वेंट्स थे डॉक्टर सदाओ के, मतलब आपके तो नहीं थे सर्वेंट्स। तो आई डोंट नो, पीछे से बहुत शोर आ रहा है, कोई बात नहीं, खेलने दो बच्चे। अब क्या होता है कि वो जो स्ट्रेंजर होता है उसका नाम पता चलता है, उसका नाम होता है टॉम। बताओ नाम भी कितना घटिया, कुछ अच्छा ही नाम रख लेते हैं। सडाओ को ना क्या होता है, अगले दिन अच्छे से उसका वूंड अच्छे से केयरफुली वो एग्जामिन करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने घर में उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा होता है, और वो एक लेटर टाइप करते हैं चीफ ऑफ पुलिस को, जिसमें वो पूरा अपना मैटर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि 21 फरवरी को एक एस्केप्ड प्रिजनर आया मेरे घर पर, ऐसे शोर के सामने पड़ा हुआ था, ठीक है, नदी के मतलब सी के किनारे पड़ा हुआ था मेरे घर के सामने, और वो अपना सारा ऐसे ऐसे पूरा ना सिनेरियो जो है वो लिखते लिखते एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। बट वो क्या करते हैं कि वो इनकम्प्लीट जो लिख रहे होते लेटर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसको ड्रॉअर को बंद कर देते हैं, और वो रिपोर्ट का भी उसे फिनिश ही नहीं करते, और वो अपना मतलब माइंड बदल लेते हैं ऑफकोर्स। तो अब क्या होता है कि 7th डे मतलब 7वें दिन क्या होता है, दो बड़ी चीज़ें होती हैं कि सुबह सुबह सारे जो सर्वेंट्स होते हैं उनके घर के वो छोड़ के चले जाते हैं, वो कोई काम वाम नहीं करते, ना खाना पक रहा होता है, ना गार्डनर वार्डनर अपना काम कर रहा होता है ना
उठती है, देखती है कि कुछ भी नहीं हुआ पड़ा है, तो सारे सर्वेंट्स इकट्ठे होकर रो रहे होते हैं, कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना मेम साहब, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके घर में काम, जब तक ये इंसान यहाँ पर है हम नहीं रहना चाहते, जब ये चला जाएगा हम वापस आ जाएंगे। तो यूमी भी रो रही होती है क्योंकि उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया होता है। तो यूमी कहती है कि अगर बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो तुम्हारा बच्चा, तो मुझे बुला लेना, मैं आके चुप करवा दूंगी और सुला दूंगी अच्छे से। फिर हैना भी कुछ नहीं कहती है, वो सबको थैंक यू बोल देती है, तीनों के तीनों सर्वेंट्स को, और उनके जितने जितने उनका हिसाब बन रहा होता है वो छुट्टा करके उन्हें भेज देती है। अब खुद ही ब्रेकफास्ट बनाती है हैना, सडाओ बच्चों के साथ उनकी हेल्प वगैरह कर रहा होता है, ये सब चीज़ें चल रही होती है। फिर उसे उसका प्रिजनर ऑफ वॉर का भी, इन दोनों मियाँ बीबी को ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, घर की साफ सफाई बहुत काम होते हैं। तो अब वो सब खुद ही मैनेज कर रहे थे वो दोनों मिलकर। फिर हैना पूछती है अपने पति सडाओ से कि हम अब क्या करें इस आदमी का, हमारे सर्वेंट्स तक छोड़कर चले गए, उनको भी दिख रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दिख रही है वो चीज़, राइट? सडाओ उस चीज़ को कुछ आंसर नहीं करते और वो चले जाते हैं उस प्रिजनर ऑफ वॉर स्ट्रेंजर के पास चले जाते हैं, और वो उसको कहते हैं कि तुम अब उठ जाओ अपनी फीट पर और तुम्हें फटाफट अब चलना सीखना होगा, दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुको, और जितना तुम ज़्यादा टाइम तक रुकोगे उतना ज़्यादा तुम्हें भी खतरा है और हमें भी खतरा है। फिर वो प्रिजनर उठ के बोलता है, टॉम जो था वो कहता है कि डॉक्टर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, और डॉक्टर कहता है कि इतनी जल्दी मुझे थैंक यू मत करो, अभी तुम अभी भी मौत के मुंह में ही फंसे हुए हो, अगर कोई किसी भी मिलिट्री वाले को इंसान को पता चल गया तो वो आके तुम्हें सीधा मार देगा। और बस वही उसके स्कार्स देख रहे होते हैं नेक पर, उन्हें पता होता है कि इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है, फिर भी वो उस चीज़ को इग्नोर करके अपना आगे बढ़ते हैं। और अब एकदम से क्या होता है, जो दूसरी चीज़ होती है ना उस दिन पे, एक तो ये होती है कि सारे सर्वेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि हैना देखती है कि घर पर कोई मैसेंजर आ रहा है, जनरल का मतलब आर्मी जनरल का कोई मैसेंजर आ रहा है, उसने ऑफिशियल ड्यूटी वाली यूनिफॉर्म पहन रखी है, और वो देख के तो ऐसे कप ही छूट जाती है कि अरे भाई ये कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, और वो फटाफट सडाओ के पास जाती है कि देखो देखो अरे कौन आया है। और सडाओ अपने उस टाइम पे बुक पढ़ रहे होते हैं, सडाओ से ऑफिसर से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो ऑफिसर उन्हें बताता है कि आपको आपका पैलेस में बुलावा आया है, जो ओल्ड जनरल है उनको बहुत दिक्कत हो रही है, उनको दर्द हो रहा है फिर से, और उनको आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ ट्रीट हिम मेडिकली। तो हैना फिर थोड़ी शांति की सांस देती है कि अच्छा ठीक है, इसको कुछ पता नहीं चल रहा है, बस सर्वेंट की क्या कहते हैं ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है डॉक्टर सडाओ को। तो हैना पूछती है बस इतना ही है ना, तो मैसेंजर कहता है और कुछ भी चाहिए क्या, और कुछ मतलब ये इनफ नहीं है कि हमारे जो जनरल साहब हैं वो तबीयत ख़राब है उनकी ये वो, तो कहती है कि आई एम वेरी सॉरी, हाँ प्लीज़ आप जाओ जाओ। तो सडाओ चले जाते हैं गुड बाय बोलकर अपनी पत्नी को जनरल के यहाँ पर। फिर सडाओ जब जनरल के घर पर जाते हैं तो वो उनको सारी जाके जितनी भी दुर्घटना है पूरी कहानी जाके उनको एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में कि सर ऐसे ऐसे हुआ है मेरे घर में, अभी भी वो एक स्ट्रेंजर जो है प्रिजनर और वॉल जो है वो बैठा हुआ है, और मैं क्या करूं उसका, मेरे को बिल्कुल भी उसकी लाइफ की परवाह नहीं है, अब मैं उसको निकालना चाहता हूँ, या तो मैं उसे आपके हवाले कर देता हूँ। और ये वो उसको सारी बात बताता है जनरल को, डॉक्टर सडाओ, और जनरल जो है वो अपनी बातें पूछ रहा होता है कि मेरी अपनी तबीयत के बारे में कि बताओ मैं अब कितने हार्ट अटैक जो है वो झेल सकता हूँ, अब मेरे में कितनी जान बची है, कितनी ताकत बची है, ये और वो। तो वो ये सब अपने अपने डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो उन्हें अपनी सारी कहानी बताता है, जनरल अपनी तबीयत के बारे में पूछता है, फिर जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता, तो जनरल उसे कहता है कि नहीं तुमको अरेस्ट नहीं करेंगे। फिर जनरल जो है वो इतने सेल्फिश से होते हैं, वो अपनी तबीयत के बारे में पूछ रहे होते हैं कि यार तुमको मैं अरेस्ट इसलिए नहीं होने दूंगा, अगर तुम्हारे को मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा, मतलब मेरा ट्रीटमेंट कौन करेगा। मतलब जनरल को सिर्फ अपनी पड़ी है, उसे प्रिजनर ऑफ वॉर की नहीं पड़ी हुई है कि जो अमेरिकन बंदा पड़ा हुआ उसे कुछ उसी टेंशन नहीं है। फिर वो कहते हैं कि तुम ही सबसे अच्छे डॉक्टर हो, मतलब सडाओ की तारीफ करते हैं जनरल की, तुम ही सबसे अच्छे डॉक्टर हो जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, बाकी जो अच्छे और डॉक्टर हैं वो उनको सारे जर्मन लोगों ने ट्रेन करा हुआ है, और वो तो भैया मेरे पे ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि वो मेरे को मार ही देंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। अब डॉक्टर सडाओ जो है वो फिर उस आदमी के बारे में पूछते हैं कि इस आदमी का क्या करूं, तो जनरल उसे कहते हैं
कि ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको साइलेंटली मार देंगे, तुम मत मारना डॉक्टर सदाओ, तुम मत मारना, बट मैं जो है अपने प्राइवेट असैसिन्स भेजूंगा, मतलब ऐसे प्राइवेट जो शूटर या स्नाइपर वगैरह असैसिन्स होते हैं ना, उनको भेजूंगा, चुपचाप तुम्हारे घर में रात को घुसेंगे और इस इंसान को मार देंगे, और मैं इसकी बॉडी भी ठिकाने लगवा दूंगा अगर तुम चाहो तो, और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं जनरल सडाओ को, और अब सडाओ अपने घर आ जाते हैं, और बहुत ही मतलब सडाओ जो है वो अब हर रात को टेंशन में रह रहे होते हैं कि अच्छा अब आएंगे, अब मार देंगे, कब आएंगे। तो एक दिन ऐसा होता है, दूसरे दिन भी ऐसी कुछ आवाज़ सी आती है, तो लगता है कि सडाओ को कि जनरल के भेजे हुए आदमी आ गए हैं और वो लोग मार देंगे। फिर ऐसे ही डॉक्टर सडाओ तीसरे दिन भी ऐसे फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनते हैं रात को कि कौन है, मतलब उन्हें डर लग जाता है कि ऑफकोर्स अब प्राइवेट असैसिन्स आ गए हैं और वो घड़ी आ गई है जब वो उसको मार देंगे। और फिर जैसे आवाज़ आती है तो हैना भी उठ जाती है कि ये कैसी आवाज़ आई है, कौन है ये। तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं हैना का कि तुम मत जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो क्योंकि ना वो हैना को ये वाली बात नहीं बताते हैं जो वो जनरल से डील करके आए हुए होता है कि प्राइवेट असैसिन से मरवा देंगे, वो चीज़ उन्होंने हैना को नहीं बताई हुई होती है। तो वो नहीं चाहते कि हैना वो सब चीज़ें देखे या उन चीज़ों को गो थ्रू करे। बट तीसरा दिन भी बीत जाता है और अभी भी जनरल के प्राइवेट असैसिन्स मारने नहीं आए हुए होते हैं। तो अब क्या होता है कि वो एक प्लान बनाते हैं डॉक्टर सडाओ कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं इस इंसान को खुद ही भगा दूंगा यहाँ से। और क्या कहते हैं उसको प्लान समझाते हैं कि अब तुम ठीक हो चुके हो, तुम इतने वेल हो चुके हो कि तुमको मैं एक बोट दे दूंगा और तुम उस बोट पर बैठकर सी पे एक आइलैंड है उस पर जाकर तुम छुप जाना, और उस आइलैंड के थ्रू बहुत सारी कोरियन शिप्स निकलती है, कोई भी कोरियन बोट को तुम रोक कर उस पर बैठ कर कोरिया के रास्ते अपनी जगह पर चले जाना। वो ऐसा कुछ उसको प्लान बताते हैं, राइट। तो अब क्या करते हैं कि डॉक्टर सडाओ बोट का इंतज़ाम कर देते हैं, पैकेट वाटर बोट का इंतज़ाम कर देते हैं, पानी वानी का इंतज़ाम कर देते हैं, फूड एक्स्ट्रा क्लोथिंग रख देते हैं बोट के अंदर, ठीक है। और वो उसको पूरी बात समझा देते हैं कि तुम इस आइलैंड पे रह लेना, ये आइलैंड जो है ये फोर्टिफाइड नहीं है, मतलब इसके आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं और इसके आसपास कोई बाउंड्री भी नहीं करी हुई है, तो तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। और जब भी क्या कहते हैं यहाँ पर तूफान आता है तो ये पानी के अंदर ऐसे मतलब डूब जाता है, बट फिलहाल अभी कोई तूफान नहीं है तो तुम इस आइलैंड पर जाकर छुप सकते हो। तो वो उसे सारी चीज़ बताते हैं, फिर उसे कहते हैं कि जब भी अंधेरा होगा तुम फटाफट ये अपनी स्टाउट बोट को निकालना और किनारे से, मतलब मैंने फूड और बॉटल्ड वाटर इस पे रख दिया है, तुम निकल जाना और उस आइलैंड की तरफ तुम चले जाना। अब वो उसके लिए क्या कहते हैं क्वेंट्स वगैरह का भी इंतज़ाम कर देते हैं, पॉन शॉप से ले आते हैं। और तो टॉम उनको कहता है डॉक्टर सडाओ को कि आप तो फिर से मेरी जान बचा रहे हो, तो सडाओ कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारी जान नहीं बचा रहा हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो गई है तुमको यहाँ रखने से, ठीक है तुम यहाँ पर और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हो। फिर डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि अगर तुम्हारा वहाँ पर फूड जो है ख़त्म हो जाए वेट करते करते किसी कोरियन बोट के लिए, तो तुम मुझे दो बारी ऐसे फ्लैशलाइट मार देना दूर से रात को, ठीक है। और जब सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन, मतलब जब सनसेट हो रही हो तब उस टाइम पर फ्लैशलाइट मार देना, क्योंकि जब बहुत अंधेरे में फ्लैशलाइट मारोगे तो तुम्हारी चेकिंग हो सकती है और लोग सस्पिशियस हो सकते हैं। और कहते हैं कि तुम सब कुछ ठीक है बट फिर भी तुम वहाँ पर हो, मतलब फूड वूड सब कुछ है लेकिन अभी तक तुम वहाँ से नहीं निकल पाए हो, तो उसके लिए तुम मुझे एक बारी फ्लैश लाइट मारकर सिग्नल दे देना ताकि मुझे पता रहेगा कि तुम वहाँ पर हो। फिर डॉक्टर उसे जैपनीज क्लोथ में ड्रेस कर देते हैं और उसके सर पर ऐसे कपड़ा बांध देते हैं ब्लैक कलर का ताकि उसका ब्लॉन्ड कलर का हेड ना दिखे, और वो वहाँ से चला जाता है, वो आदमी बोट पकड़ के अपने दूसरे आइलैंड पे पहुँच जाता है। बहुत टाइम हो जाता है, कुछ वहाँ से फ्लैशलाइट और सिग्नल वगैरह नहीं आती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ वो इंसान एस्केप कर चुका होता है, या तो कोरियन बोट के थ्रू एस्केप कर चुका होता है या फिर कैसे भी उसने कर लिया होता है, वो भाग जाता है वहाँ से। और ये बात जाके वो जनरल को अब बताते हैं डॉक्टर सडाओ कि उस आदमी ने एस्केप कर लिया है। और सडाओ जनरल से पूछते हैं कि आपने असैसिन्स क्यों नहीं भेजे थे, वो कभी आए क्यों नहीं जब आपने मुझे प्रॉमिस करा था कि प्राइवेट असैसिन से उसको मरवा दूंगा। तो
जनरल उसे कहते हैं कि मैं अपनी तबीयत में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था और मैं भूल गया था कि मुझे ये काम भी करवाना है। और उसके बाद जब वो एस्केप कर लेता है तो वापस सारे जो सर्वेंट्स हैं वो भी लौट आते हैं उनके घर में, डॉक्टर सडाओ के घर में वो सब लौट आते हैं, और उसकी स्मेल वेल हटाने के लिए, वाइट मैन की स्मेल हटाने के लिए, वो अपने घर में सल्फर वगैरह जला देते हैं ताकि घर जो है जैसे घर का हवन सा कर दिया हो। और वो फिर वो अपने वो जनरल को बताता है कि हाँ वो फाइनली एस्केप कर चुका है, आपने तो किसी असैसिन को भेजा नहीं था तो मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। और तो ऑब्वियसली वहाँ से उनको कोई सिग्नल नहीं आता होता है आइलैंड से, तो ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ वो मैन जो है उसने एस्केप कर लिया है, वो भाग गया है। और जो प्रोफेसर है अब वो जाकर शांति की सांस लेते हैं और अपने घर से बाहर निकल कर सी शोर पर खड़े होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, अपने ऐसे फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि कैसे मैंने उस इंसान को मरने नहीं दिया, कैसे मैंने उसकी जान बचा ली, क्योंकि मैं जब अमेरिका में रहता था मेरे साथ अमेरिकन्स ने कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया था, मेरे को कितना परेशान किया था अमेरिकन्स ने जब मैं अमेरिका में रह रहा था, मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने, उनकी वाइफ ने कितना परेशान करा था, या फिर वो जो टॉकेटिव औरत थी वो कितना परेशान करती थी, खाना कितना गंदा देते थे और मैं हमारे साथ मतलब ऐसे भेदभाव करते थे। और ये लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब अमेरिकन्स फुल ऑफ प्रेजुडिस होते हैं, इनके अंदर एक कड़वाहट होती है। तो बस यही वो सोच रहे होते हैं कि अमेरिकन्स ने इतना ज़्यादा उनके साथ बुरा करा था, वो होते हुए भी उन्होंने एक अमेरिकन की जान बचाई। और फिर बस वही वो उसी चीज़ को कंटेम्पलेट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा, बस शोर पर खड़े खड़े वंडर कर रहे होते हैं। और ऐसे ही करते करते हमारी स्टोरी जो है एंड हो जाती है। सो फाइनली स्टोरी एंड हो गई है, बहुत ही बड़ी स्टोरी थी। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना वीडियो के नीचे। और इसमें बस यही पता चलता है कि एक जो डॉक्टर होता है वो कितने बड़े डिलेमा में आ जाता है, या तो वो उसे पेट्रियोटिज्म दिखाना चाहिए था या फिर उसे एक डॉक्टर होने का फ़र्ज अदा करना चाहिए था। ठीक है, पेट्रियोटिज्म दिखाता तो फिर वो उस स्ट्रेंजर को उसे मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए था, और अगर एक डॉक्टर का फ़र्ज नहीं पूरा करता तो वो जो स्ट्रेंजर था या वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो था वो मर जाता। सो डॉक्टर जो थे वो बहुत ही डिलेमा की सिचुएशन में दिखाए गए हैं इस स्टोरी में, और स्टिल एक डॉक्टर ने अपने डॉक्टर होने का रोल पूरा किया, उन्होंने मतलब ही वॉज ह्यूमेन, ही वॉज अ ट्रू डॉक्टर फ्रॉम इनसाइड, और उसने उसकी जान बचाई, उसकी हेल्प करी। सो विद दिस द स्टोरी एंड्स, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।